A large crowd patiently watched this operation. There they noticed water gushing in with great force to the shaft resembling a waterfall. Sri J.S. Gill, Additional Chief Mining Engineer of Eastern Coalfields Limited, volunteered to go down first. Hello everyone, welcome back to the channel Mining Engineering. In today's video, we'll see one of the best mining engineer of the world. आज के इस वीडियो पे हम एक महान माइनिंग इंजीनियर के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनका नाम है श्री जसवंत सिंह गिल और कैप्सूल गिल. सो हु इज जसवंत सिंह गिल और दिस कैप्सूल गिल? वी ऑल नो कि अक्षय कुमार जी, उनका एक मूवी आने वाला है श्री जसवंत सिंह गिल के ऊपर, ट्रू स्टोरी ऑफ माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल, जिनने 65 लोगों की जान बचाई थी एक माइनिंग एक्सीडेंट पे. अक्षय कुमार इज ऑल सेट टू स्टार्ट शूटिंग फॉर कैप्सूल गिल, ए बायोपिक ऑन द लाइफ ऑफ जसवंत सिंह गिल. व्हाइल वर्किंग एज ए चीफ माइनिंग इंजीनियर, गिल सेव्ड द लाइव्स ऑफ 65 पीपल व्हेन ए कोल माइन इन रानीगंज वेस्ट बंगाल वाज फ्लडेड and 65 people got trapped in the mines. In a brief, उनका नाम है जसवंत सिंह गिल और ये इंसिडेंट के बाद वो पॉपुलर हो गए कैप्सूल गिल के नाम से. उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 November 1937, प्लेस ऑफ बर्थ अमृतसर पंजाब. And he was graduated from IIT ISM Dhanbad in the year 1965. Unka jo heroic work tha, a brave heart, Mr. Gill, while he was additional chief mining engineer, has saved 65 people who were trapped in a flooded coal mine in the Indian state of West Bengal in 1989. Pe, a coal mines पे पानी भर गया था और 65 लोग उसमें फंस गए थे. उस टाइम श्री गिल वाज अ चीफ माइनिंग इंजीनियर ऑफ दैट कोलियरी, ईसीएल था, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड. एंड मिस्टर गिल कुछ आइडिया लगाए एंड ही हैज सेव्ड 65 पीपल फ्रॉम दैट इंसिडेंट. एंड वो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेफ्टी एंड रेस्क्यू फ्रॉम भारत कुकिंग कोल लिमिटेड धनबाद. श्री जसवंत सिंह गिल वॉज ऑनर्ड विथ इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, फॉर सेविंग द लाइफ्स ऑफ 65 माइनर्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बिफोर श्री गिल नो लिविंग पर्सन हैड बीन ऑनर्ड विथ दिस गैलेंट्री अवार्ड. हाउएवर मेनी पीपल हैव रिसीव्ड इट पोस्टमेंटली. His historic act of bravery on November 16 is celebrated by Coal India Limited as Rescue Day. So let's understand the incident, what happened on that day. Before that, we should know कि coal को कैसे निकाला जाता है from एंड अंडरग्राउंड माइन. अंडरग्राउंड माइनिंग में एक्चुअली कोल कैसे रहता है जमीन के अंदर एंड उसको कैसे निकाला जाता है, वी शुड नो, एटलीस्ट वी शुड हैव सम नॉलेज बिफोर ये इंसिडेंट कैसे हुआ था उसको समझने से पहले. ये आप देख सकते हैं, दिस इज आवर अर्थ सरफेस लेवल, ये जमीन का लेवल है. पर जमीन से 100-200 मीटर, कभी 70-80 मीटर नीचे कोल डिपोजिट रहता है. कोल डिपोजिट को हम माइनिंग टर्म में कोल सीम बोलते हैं. ये एक कोल सीम है जो कि 100-200 मीटर अंदर है जमीन से. उसको हम निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक वर्टिकल शाफ्ट
सरफेस से लेके कोल डिपॉजिट एरिया तक बनाया जाता है, एंड वो वर्टिकल शाफ्ट में एक लिफ्ट जैसा सिस्टम बनाया जाता है जिसको हम एक केज फिटिंग करते हैं, जिनमें माइनर्स उसमें बैठ के अंदर आते हैं एंड देन वो लोग अंदर में कोल को खुदाई करते हैं, मैनुअल मेथड में बाय डिगिंग एंड मैकेनाइज्ड मेथड में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके कोल को निकाला जाता है। लाइक दिस ये ड्रिलिंग होता है, चार्जिंग होता है, देन उसको ब्लास्ट करके मेटेरियल को निकाला जाता है, देन इसके बाद इसको बाय टॉप में या बेल्ट कन्वेयर लगा के मेटेरियल को ऊपर निकाला जाता है। सो बेसिकली अंडरग्राउंड माइनिंग में काम ऐसे किया जाता है एंड ये हम लोग नीचे काम करते हैं तो उसके लिए वेंटिलेशन वगैरह का भी व्यवस्था किया जाता है, उसका वीडियो भी बनाया हूँ, यू कैन विजिट, यू कैन सी दैट वीडियो। सो डेटा इंसिडेंट हुआ था 13 नवंबर 1989 महावीर कोलियरी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी है जो कि वेस्ट बंगाल आसानसोल में है एंड ये जो इंसिडेंट हुआ था नवंबर 13, 1989 को, उस दौरान बंगाल में बहुत ज़्यादा फ्लड का सिचुएशन भी था एंड उस टाइम कुछ फ्लड भी हुआ था। सो दिस इज वन सिंप्लीफाइड सेक्शन ऑफ दैट महावीर कोलियरी। सो ये कोल सिम है एंड उसके नीचे ये एक दूसरा कोल सिम है, ये ऊपर वाला कोल सिम बहुत पहले एक्सट्रैक्ट कर दिया गया था एंड काम चल रहा था ये नीचे वाला कोल सिम पे। सो लेट्स सी, लॉन्ग टाइम बैक ये ऊपर वाला जो कोल सिम है उसका नाम है निंगा कोल सिम एंड नीचे वाला जो कोल सिम है उसका नाम है नैनकुरी कोल सिम। ये कोल डिपॉजिट है, ये कोल डिपॉजिट है एंड दिस इज आवर अर्थ सरफेस लेवल। लॉन्ग टाइम बैक द निंगा कोल सिम हैड बीन वर्क एंड कोल हैड बीन एक्सट्रैक्टेड एंड एट द टाइम द सिम वाज फिल्ड अप विद वाटर। 1989 में जब ये वाला सिम में काम चल रहा था, ये ऊपर वाला सिम पहले से एक्सट्रैक्ट हो चुका था एंड ये जो बनाया जा रहा है ये शाफ्ट है फॉर एक्सेसिंग टू दैट कोल सिम, सरफेस से वो कोल सिम तक एक्सेस बनाने के लिए ये शाफ्ट बनाया जाता है एंड थ्रू दैट शाफ्ट मेन मटेरियल नीचे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड बाहर निकाला जाता है। तो 1989 में जब ये इंसिडेंट हुआ तब ये वाला कोल सिम ऑलरेडी कोल एक्सट्रैक्ट हो चुका था एंड बाय दैट टाइम धीरे धीरे ये कोल सिम में पानी भर चुका था। ये जो गैलरी है वो गैलरी में, इसको गैलरी बुलाया था, कोल हम गैलरी बना के अंदर जाते हैं एंड ये शाफ्ट है ये पूरा पानी में भर चुका था एंड काम चला था उस दौरान नीचे वाला नैनपुरी सिम में, तो उसको एक्सेस करने के लिए वहां पे दो शाफ्ट बनाया गया था एंड धीरे धीरे गैलरी फॉर्मेशन कर करके काम चला था एंड इन दैट November 13th, 1989 कोल सिम भी धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो चुका था एंड एक्सट्रैक्शन वाज गोइंग ऑन एट द राइज मोस्ट एरिया। दिस इज द डिपिंग ऑफ दैट कोल सिम एंड दिस इज द राइज ऑफ दैट कोल सिम, ये ऊपर की तरफ काम चल रहा था। इन द ईयर 1989 द कोलियरी वाज वर्किंग नैनकुरी सिम थ्रू टू शाफ्ट ए एंड बी अबाउट 86 मीटर डीप, ये 86 मीटर डीप था, नीचे काम चल रहा था। The sim had been extensively developed and at the time of incident, development was going towards the rightmost area of the mine. ये rightmost area की तरफ काम चल रहा था। On 13th November 1989, about 4 a.m., night shift चल रहा था, रात के 4 बजे, a heading in Nankuri sim punctured into abandoned shaft pit number 34, यहाँ पे. Which was not shown on the plan of Nankuri sim. Plan में कुछ fault था, ये shaft इतना depth तक था बोल के वो पता नहीं था and ये हुआ वहाँ पे puncture हो गया due to some incident, यहाँ पे puncture हो गया and
वो पंक्चर से वाटर धीरे धीरे नीचे वाला सिम को आने लगा। धीरे धीरे वाटर नीचे वाला सिम में आने लगा। एंड एट दैट टाइम टोटल 232 पर्संस वर एम्प्लॉयड बिलो द ग्राउंड। दैट नाइट शिफ्ट में 232 पर्संस वर वर्किंग बिलो द ग्राउंड। उनमें से 161 पर्संस वर्किंग नियर द साप पिट। ये साप बोलते हैं, ये साप का पिट मतलब बॉटम ऑफ द पिट। ये पिट के आसपास 161 पर्संस काम कर रहे थे। टोटल 232 पर्संस वो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे, उनमें से 161 पर्सन यहीं आसपास थे। तो जब पानी घुसना चालू हुआ, वो 161 पर्संस वो लोग तुरंत साप में बैठ के वो ऊपर आ गए। दे केम आउट फ्रॉम द माइन थ्रू द साप। हाउएवर 71 पर्संस वर्किंग एट द राइज एरिया कुड नॉट रीच टू द साप लेवल। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो इस साप तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ये जो पानी था विद इन 45 मिनट्स वो पानी साप में लेके यहां तक वो भर गया पानी। इन शॉर्ट टाइम बोथ द साप्स गॉट फ्लडेड अप टू ए हाइट ऑफ 12 मीटर अबव द पिट बॉटम। फॉर्चुनेटली देयर वाज ए टेलीफोन कनेक्शन बिटवीन द अंडरग्राउंड वर्किंग्स वेयर द माइनर्स वर ट्रैप्ड एंड द सरफेस, एंड इट वाज लर्नड ओवर दिस टेलीफोन दैट 65 माइनर्स हैड टेकन शेल्टर इन द राइज पार्ट ऑफ द वर्किंग। सो जो माइनस नियर द साप बॉटम पीट में काम कर रहे थे वो लोग तो बाहर आ पाए, लेकिन जो 71 पर्संस यहाँ पे राइज एरिया में काम कर रहे थे वो लोग पहुंच नहीं पाए, क्योंकि धीरे धीरे पानी इधर साप की तरफ और यहाँ पे विद इन 45 मिनट्स 12 मीटर तक ऊपर आ गया। और जो टेलीफोन लाइन कनेक्शन था यहाँ से पता चल पाया, एक टेलीफोन लाइन कनेक्शन था इधर, वहां से पता चल पाया कि 65 पर्संस यहाँ पे ट्रैप्ड है आउट ऑफ 71। तो 6 लोग यहाँ पे मिस हो गए, उनका पता ही नहीं चल पाया वो लोग कहाँ गए। दस 6 माइनर्स कुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इट वॉज डिसाइडेड टू इंस्टॉल मेनी समर्सिबल पंप्स इन द टू शाफ्ट्स एज पॉसिबल टू डिवाटर द माइन एंड एट द सेम टाइम टू ड्रिल ए लार्ज डायमीटर होल एट द राइजमोस्ट एरिया टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद द ट्रैप्ड माइनर्स। तो ये डिसाइड किया गया कि हम लोग कुछ समर्सिबल पंप को इंस्टॉल करते हैं सो दैट कि ये वाटर लेवल कम हो पाए, सो दैट पीपल कैन कम टू द सब बॉटम जहां पे लिफ्ट का सिस्टम है एंड उनको हम बाहर निकाल पाएंगे। एंड एट दैट टाइम ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ बोरहोल किया जाता है, वो जियोलॉजिस्ट लोगों को पता ही है कि कहाँ पे कोल डिपॉजिट है कहाँ पे नहीं है, इसलिए पहले माइंस शुरू होने से पहले कुछ एक्सप्लोरेशन बोरहोल किया जाता है। सो टेलीफोन लाइन से तो बातचीत हो गया कि 65 लोग वहां पे ट्रैप्ड हो गए हैं, लेकिन उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे जो ओल्ड एक्सप्लोरेशन बोरहोल था उसमें से फिर से ड्रिलिंग चालू किया गया सो दैट कि जो 65 लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको खाना पीना फूड मेडिसिन टॉर्च कुछ कम्युनिकेशन उनके साथ एस्टेब्लिश किया जा सके। और क्योंकि पानी निकालने के लिए तो टाइम लगेगा सो दैट वो लोगों को कुछ तो चाहिए, क्योंकि अंडरग्राउंड में नीचे अंधेरा, मतलब नाउ द सिचुएशन गॉट क्रिटिकल, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रहता लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। सो उनको टॉर्च फूड वो सब पहुंचाने के लिए ओल्ड एक्सप्लोरेशन बोरहोल जो था उसमें से फिर से रीड्रिल किया गया और यहाँ पे समर्सिबल पंप को इंस्टॉल किया गया टू डिवाटर द एरिया। तो पंप यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया। अराउंड आई थिंक 11 समर्सिबल पंप एज पर द डेटा अवेलेबल 11 समर्सिबल पंप को इंस्टॉल किया गया, लेकिन जो आउटपुट निकला उसमें से कुछ इफेक्टिव नहीं हो पाया। पंप का जो कैपेसिटी था, जितना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकाला जा रहा था, जो वाटर इनफ्लो था, जो वाटर रशिंग हो रहा था, वो इफेक्टिव कुछ हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जितना वाटर बाहर निकाला जा रहा था ड्यू टू सम फ्रैक्चर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपनिंग्स, ये वाटर फिर से अंदर इनफ्लो हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे फ्लड का भी सिचुएशन था तो ऊपर में भी बहुत पानी था, तो वाटर इनफ्लो था, तो ये
कुछ इफेक्टिव हो ही नहीं पाया, पंप का सोल्यूशन यहाँ पे फेल हो गया। सो इन ए ब्रीफ, इंसिडेंट हुआ था 13 नवंबर 1989 सुबह के 4 बजे, नाइट शिफ्ट चल रहा था। विद इन 45 मिनट्स जो हॉलोड था, साफ ये सब वाटर लॉक हो गया। तो 1:45 को दोपहर में पंपिंग चालू किया गया, एंड इट वॉज फाउंड कि ये इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। 14 तारीख को ओल्ड एक्सप्लोरेशन बोरहोल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद द ट्रैप्ड माइनर्स आफ्टर डिगिंग 27.8 मीटर, ये अराउंड 3:30 AM वो एक्सप्लोरेशन बोरहोल जो था उसमें रीड्रिल करके तो एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो पाया था। एंड टॉर्च, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन ये सब सप्लाई किया गया था वो ट्रैप्ड माइनर्स लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे थे, पंपिंग वॉज नॉट इफेक्टिव एट दैट टाइम। तो एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर श्री जसवंत सिंह गिल ही केम टू दैट लोकेशन एंड वो प्लान दिए कि हम लोग नियर टू दैट ओल्ड एक्सप्लोरेशन बोरहोल लेट्स ड्रिल वन रेस्क्यू बोरहोल, इसमें से हम ये सांप को तो एक्सेस करना नॉट पॉसिबल क्योंकि इन दैट डिप मोस्ट एरिया वाटर लॉक्ड हो गया, पूरा पानी भर गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो राइज पर्सन है राइज मोस्ट एरिया उसमें इन दैट एरिया बिकॉज दिस डिस्टेंस इज दिस इज शॉर्ट डिस्टेंस एज कम्पेयर टू दिस पार्ट, दिस इज अराउंड 86 मीटर एंड दिस इज अराउंड 27-28 मीटर। तो यहाँ पे रेस्क्यू बोरहोल ड्रिल किया जाए, थ्रू दैट रेस्क्यू बोरहोल हम लोग उनको निकाल सकते हैं। तो वो ये प्लान दिए श्री जसवंत सिंह गिल सर ने। तो एक रेस्क्यू बोरहोल ड्रिलिंग चालू हुआ। सो 14th नवंबर 1989 टाइम अराउंड 9:30 AM रेस्क्यू बोरहोल ऑफ 200 mm 8 inch वॉज ड्रिल्ड फर्स्ट एंड द होल पंक्चर टू द ग्राउंड एट 11:30 AM 9:30 को चालू किया गया एंड 11:30 को वो नीचे पंक्चर हो गया। देन वो इट्स अराउंड ओनली 200 mm तो उस इतना छोटा बोरहोल है उसका डाया जो है ओनली 200 mm उसमें से तो किसी को निकालना इट्स नॉट पॉसिबल। देन उसको क्या किया, धीरे धीरे एनलार्ज किया गया, धीरे धीरे 12 inch 8 inch से 12 inch 15 18 धीरे धीरे उसको जितना जल्दी हो सके उसको थोड़ा सा एनलार्ज करके 21.5 inch में लाया गया। फिर देखा गया कि ऊपर लेवल में थोड़ा सा एलुवियल मिट्टी ऐसा था वो मे भी उस होल को ट्रैप कर सकता है, इसलिए उसको फर्दर एनलार्ज किया गया अराउंड 28 inch। तो इतना वो होल को एनलार्ज किया गया एंड वो एनलार्ज करते करते फाइनली ये हो गया 15 तारीख 1:30 PM दोपहर तक हो गया 1:30 PM फाइनली वो रेस्क्यू बोरहोल को ड्रिल कंप्लीट हो गया। सो इंसिडेंट हुआ था 13 तारीख को सुबह 4 बजे एंड ये रेस्क्यू बोरहोल बनाते बनाते हो गया 15 तारीख को 1:30 PM एंड बाय द टाइम श्री गिल प्लान किए थे कि हाउ टू रेस्क्यू, वो क्या किए थे, एक कैप्सूल को डिजाइन किए थे इन दैट वर्कशॉप। एक कैप्सूल डिजाइन किया गया था और उसको एनलार्ज किया गया था। While drilling was going on, a steel capsule of 17 inch inside diameter and 2.5 meter height had been fabricated. 2.5 meter height so that one person can stand there by squeezing his hand like this. This capsule was lowered to the borehole using a derrick and 10 ton hand winch. उसको manually ऐसे कुएं से पानी निकालते हैं like this. उसको धीरे धीरे नीचे और ऊपर करने का व्यवस्था किया गया था। After few trial run up and down, rescue of man was started at 2:30 AM on 16th November 1989. रात को 2:30 बजे on 16 तारीख को कुछ ट्रायल रन
लेने के बाद रेस्क्यू वर्क चालू किया गया था एंड द ब्रेव हार्ट पर्सन मिस्टर गिल जो कि ये रेस्क्यू को प्लान कर रहे थे एंड ही वाज द पर्सन ही वेंट इनटू द माइंस वो खुद ही पहले वो कैप्सूल में बैठ के अंदर गए टू इंस्पेक्ट द सिचुएशन एंड टू रेस्क्यू द ट्रैप्ड माइनर्स। ये जो कैप्सूल है वो कैप्सूल में रेस्क्यू बोर्ड में बैठ के वो नीचे गए। बाय द टाइम सिक्स मैन वर टेकन आउट सिगिल बैठ के नीचे गए एंड वन बाय वन वो जो ट्रैप्ड माइनर्स थे उनको बाहर निकालना चालू किए। By the time six men were taken out, it was observed that each cycle was taking about 15 minutes. तो मैनुअली किया जा रहा था, तो एक साइकिल, साइकिल मीन्स एक बार नीचे जाएगा, एक ट्रैप्ड माइनर्स को उठा के ऊपर लेके आएगा, तो ये 15 मिनट लग रहा था। तो इसमें जो 65 लोग ट्रैप हुए थे उनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। काम को स्पीड करने के लिए टू एक्सपेडिट द ऑपरेशन ए 12 टन क्रेन वाज पुट इनटू सर्विस फॉर लोअरिंग एंड राइजिंग द कैप्सूल एंड दिस रिड्यूस द साइकिल टाइम टू जस्ट 3 मिनट्स। ऑल द 65 पर्संस वर टेकन आउट फ्रॉम द माइन बाय 9 एएम ऑन 16 नवंबर 1989। सुबह 9 बजे सब माइनर्स ऊपर आ गए एंड इन द लास्ट में आखिरी में जाके मिस्टर गिल श्री गिल सर वो ऊपर आए। दैट वाज द ब्रेव थिंग ही हैज डन। द हीरो ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज श्री जसवंत सिंह गिल एडिशनल चीप माइनिंग इंजीनियर हु रिस्क्ड हिज ओन लाइफ एंड वेंट डाउन द बोर होल इन द कैप्सूल एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डरली इवैक्यूएशन ऑफ द ट्रैप्ड माइनर्स। जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे श्री गिल सर वो खुद ही अपना लाइफ को रिस्क में लेते हुए वो खुद अंदर गए वो कैप्सूल में बैठ के एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किए ये इवैक्यूएशन प्रोग्राम को। इनिशियली दिस मूव वाज अपोज्ड बाय टॉप ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ सीआईएल एज ही वाज रिलक्टेंट टू रिस्क द लाइफ ऑफ ए सीनियर ऑफिसर। एज द कैप्सूल लैंडेड इन द मॉडी एंड वाटर पैच ही ओपन द लैच एंड कम आउट picked up the first person he saw and put him in the capsule and gave the signal for the capsule to be hoisted. वो नीचे आया और जो इंसान पहले उनको दिखाई दिया उनको वो अंदर बैठा के बोले कि इनको ऊपर लेके जाओ ऊपर इशारा किए। This gave him 20 minutes to organize the remaining 64 trapped miners. फिर वो बाद में बाकी जो 64 trapped miners थे उनको धीरे धीरे ऑर्गेनाइज किए वन बाई वन सो दैट कि उनको ऊपर लिया जा सके। Over 20,000 people had assembled to witness the tension chest rescue operation and we know in India kuch bhi incident hota hai and it was very dramatic and very serious issue so 20,000 people wo us raat ko assembled hue the to witness this rescue operation. It had taken about 6 hours to bring up 65 minus 1 by 1 and last of all when Sri Gill emerged from the capsule, people went mad with emotional outburst, and it was the obvious thing. जो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे जो फंसे हुए माइनर्स को निकाला जा सके, and श्री गिल सर was the only hope जो कि अपना लाइफ को भी नहीं सोच के वो नीचे गए and सबको बचा के ऊपर आए, so people got very very emotional at that situation. They lifted him on their shoulder and heaped him with garlands. The scene cannot be described in words. It is best left it to the imagination of the reader to recreate it in his own mind. And thus ended a glorious chapter in the history of Indian mining. ये जो scene है, ये तो बस imagination ही हम कर सकते हैं, उसको recreate हम अपने mind में ही कर सकते हैं. लेकिन it's a very good thing. अभी श्री अक्षय कुमार सर उनका एक मूवी आने वाला है बेस्ड ऑन दिस ट्रू स्टोरी ऑफ श्री जसवंत सिंह गिल एंड वी आर वेरी लकी टू वॉच सच ए हीरोइक इंसिडेंट थ्रू आवर आइज थ्रू द मूवी। श्री जसवंत सिंह गिल वॉज ऑनर्ड विद इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ 65 माइनर्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड
in Coal India, his historic art of bravery is celebrated as Rescue Day. Thank you for listening to this short real story of Sri Jaswant Singh Gill sir. अभी let's see movie आने के बाद हम देख सकते हैं actually में कैसे हुआ था in proper way. So thank you.